दोस्तों, आज से करीब 18 साल पहले बड़े पर्दे पर प्रसारित हुई साइंस फिक्शन फिल्म कोई मिल गया तो आपने जरूर देखी होगी, जिसकी कहानी से लेकर स्टार कास्ट की इतनी तारीफें की गई थी कि आज भी फिल्म की कहानी के साथ साथ फिल्म के कलाकारों को भूल पाना नामुमकिन सा लगता है, जिसकी कामयाबी के पीछे फिल्म के इन कलाकारों ने अपनी अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन दोस्तों, साल 2003 में आई इस फिल्म को रिलीज हुए करीब 18 साल बीत चुके हैं और बीते इन 18 सालों में फिल्म में काम करके मशहूर होने वाले ये कलाकार भी इतने ज्यादा बदल गए हैं कि शायद आप इन्हें पहली नजर में पहचान भी नहीं पाएंगे। तो इसीलिए आज की हमारे इस वीडियो में हम आपको फिल्म के कुछ चुनिंदा कलाकारों से रूबरू कराने वाले हैं, जो बीतते समय के साथ साथ काफी ज्यादा बदल चुके हैं। तो देर ना करते हुए चलिए जानते हैं कौन से हैं वो कलाकार। नंबर एक, ऋतिक रोशन। फिल्म में ऋतिक रोशन ने मुख्य अभिनेता के तौर पर रोहित मेहरा का किरदार अदा किया था, जो मेंटली डिसऑर्डर होता है, पर जादू से दोस्ती करने के बाद रोहित की लाइफ एक नया मोड़ लेती है। लेकिन आज रोहित का जबरदस्त किरदार निभाने वाले अभिनेता ऋतिक रोशन पहले से काफी ज्यादा बदल गए हैं। आज ये अपनी 47 साल की उम्र कंप्लीट कर चुके हैं और पहले से काफी ज्यादा डैशिंग और स्टाइलिश नजर आते हैं। जहां फिल्म में इन्हें क्लीन शेव में देखा गया था, तो वहीं अब इन्हें बियर्ड के साथ देखा जाता है, जिसमें ये पहले से भी काफी ज्यादा स्मार्ट दिखाई देते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि वर्तमान में ये अपनी वाइफ सुजैन खान से तलाक लेकर अपने दोनों बेटों के साथ मुंबई में रह रहे हैं, जिन्होंने आज भी अपने अभिनय करियर को बरकरार रखा है, जो हमें जल्द ही क्रिश 4 फिल्म के साथ पर्दे पर दिखाई देने वाले हैं। नंबर दो, रजत बेदी। फिल्म का गुंडा राज सक्सेना तो आपको जरूर याद होगा, जिसका ये नेगेटिव रोल निभाया था अभिनेता रजत बेदी ने। लेकिन अपनी खूंखार खलनायकी से फिल्म को और भी ज्यादा रोमांचक बनाने वाले रजत बेदी बीते इन सालों में काफी ज्यादा बदल चुके हैं। बता दें कि ये आज अपनी 51 साल की उम्र कंप्लीट कर चुके हैं, जिन्हें पहली नजर में पहचान पाना काफी मुश्किल सा लगता है, क्योंकि आज इन्होंने अपने लुक में काफी ज्यादा चेंज कर लिया है, जो अब पहले से काफी ज्यादा स्टाइलिश लुक में सिर्फ और सिर्फ बियर्ड के साथ ही दिखाई देते हैं। वहीं आपको बता दें कि ये बॉलीवुड इंडस्ट्री से दूरियां बना चुके हैं, जो अपनी वाइफ मोनालिसा बेदी के साथ कनाडा के वैंकूवर में रहते हैं और वहां पर बतौर डायरेक्टर शॉर्ट फिल्मों को निर्देशित करने का काम संभालते हैं। नंबर तीन, प्रीति जिंटा। फिल्म में रोहित के साथ हमेशा रहने वाली निशा के मुख्य किरदार को अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने निभाया था, जिन्होंने अपने इस किरदार के लिए दर्शकों से खूब सराहना भी हासिल की थी। वहीं बता दें कि बीते इन 18 सालों में प्रीति जिंटा अपनी 46 साल की उम्र कंप्लीट कर चुकी हैं और पहले से काफी ज्यादा स्टाइलिश और खूबसूरत दिखाई देती हैं, जिन्होंने अपने ड्रेसिंग सेंस में काफी ज्यादा बदलाव कर लिया है, जैसा कि आप इन तस्वीरों में साफ देख रहे हैं, जिनके चेहरे पर आज भी वही स्माइल बरकरार है जो कि हमें फिल्म में देखने को मिली थी। वहीं बता दें कि ये बिजनेसमैन जेन गुडेनफ के साथ घर बसा चुकी हैं और उनके साथ मुंबई में अपना खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही हैं। साथ ही ये आज भी अपने अभिनय करियर में सक्रिय हैं, जो हमें कुछ समय पहले ही दबंग 3 मूवी में दिखाई दी थी। नंबर चार, अनुज पंडित। फिल्म में बिट्टू सरदार का किरदार भला कोई कैसे भूल सकता है, जिस किरदार को निभाया था बाल कलाकार अनुज पंडित ने, जिन्होंने अपनी चंचलता से सभी को अपना दीवाना बना दिया था। लेकिन इस फिल्म में पगड़ी बांधे छोटे सरदार की भूमिका निभाने वाले ये एक्टर आज काफी बदल चुके हैं और 29 साल की उम्र में आज काफी स्मार्ट और डैशिंग दिखते हैं। साथ ही अब काफी स्टाइलिश पर्सनालिटी इनकी दूसरी खासियत बन चुकी है, जैसा कि आप इन तस्वीरों में साफ देख रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि ये पहले की तरह आज भी सिंगल हैं, जो कि अपनी फैमिली के साथ मुंबई में रह रहे हैं। लेकिन बाल कलाकार के तौर पर कई फिल्मों में काम कर चुके अनुज पंडित पिछले 3 सालों से किसी भी फिल्म या सीरियल में नजर नहीं आए हैं, जिन्हें लास्ट टाइम आदत से मजबूर सीरियल में अभिनय करते हुए देखा गया था। नंबर पाँच, इंद्रवदन पुरोहित। शायद ही आपने आज से पहले कभी सुना होगा कि फिल्म में रोहित के जादू का किरदार निभाने वाले अभिनेता कोई और नहीं बल्कि इंद्रवदन पुरोहित थे, जिन्हें इस किरदार के लिए पूरे देश भर में जाना गया था। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीते इन 18 सालों में हम बॉलीवुड के इस जादू को खो चुके हैं। जी हाँ, इन्होंने साल 2014 में ही हार्ट अटैक का शिकार होते हुए इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था, जो कि हमें इस फिल्म के साथ साथ 30 और फिल्मों के बाद बालवीर सीरियल में आखिरी बार दिखाई दिए थे। नंबर छह, हंसिका मोटवानी। फिल्म में रोहित की क्यूट सी दोस्त प्रिया का किरदार बाल कलाकार हंसिका मोटवानी ने निभाया था, जो कि अपने इस चुलबुले किरदार के साथ दर्शकों के दिलों पर छा गई थी। लेकिन आपको बता दें कि प्रिया का किरदार निभाने वाली ये बाल कलाकार आज काफी बदल चुकी हैं और आज ये 29 साल की उम्र में पहले से काफी ज्यादा गॉर्जियस और सुंदर नजर आती हैं। इन बीते सालों में इनकी ड्रेसिंग सेंस से लेकर हेयर स्टाइल में काफी बदलाव आ गया है, जिसके चलते ये अंदाजा लगाना काफी मुश्किल सा लगता है कि ये वही प्रिया है जो हमें फिल्म में देखने को मिली थी। वही
ही बता दें कि आज भी ये सिंगल हैं और अपनी फैमिली के साथ हैदराबाद में रह रही हैं, जिन्हें आज बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट नहीं बल्कि यंगेस्ट एक्ट्रेस के तौर पर साउथ फिल्मों में देखा जाता है। तो दोस्तों, आपको कोई मिल गया मूवी में इन चुनिंदा कलाकारों में से किस कलाकार का किरदार सबसे ज्यादा मजेदार लगा था? आप हमें उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बड़े पर्दे से जुड़ी ऐसी और मजेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।